अबीर के गुम हो जाने के बाद 2 मिनट भी चैन से नहीं बैठ पा रहा है अभिमन्यु। अभिमन्यु निकल पड़ा है अबीर की तलाश में, और ना सुबह की सुध है न रात होने की। वो लगातार उस रास्ते पर जा रहा है जो मैप रूही ने अबीर को दिया था। हम आपको बता दें कि पूरे बिरला हाउस को परेशान देख, अपने पॉपी को परेशान देख, अपनी दीदा को परेशान देख, रूही ने वो वादा तोड़ दिया जो उसने अपने भाई अबीर को दिया था। उसने बता दिया पॉपी को कि कहां पर है उसका भाई अबीर। उसने बताया कि मैंने ये मैप जो है अबीर को दिया था। पूछते हुए अब अभिमन्यु निकल पड़ा है उस रास्ते पर जहां पर उसे अबीर के मिलने की उम्मीद है। हम आपको बता दें कि अभिमन्यु इस बात का फैसला तो पहले ही ले चुका है कि वो मिलाएगा अब अक्षरा और अबीर को। उसने इस बात का फैसला पहले ही ले लिया है कि वो अब और दूर जो है माँ बेटे को नहीं रखेगा। लेकिन यहाँ पर अबीर उसे मिलेगा या नहीं, हम आपको बताते हैं। दरअसल कुछ नई तस्वीरें सेट से सामने आई है, जिससे ये तो साबित हो ही जाता है कि अबीर अभिमन्यु को मिल गया है, और अबीर को लेकर अक्षरा के पास पहुंचे हैं अभिमन्यु। भले ही रास्ते बंद हो, लैंडस्लाइड हो रही हो, लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु रास्ता तलाशते हुए अबीर को लेकर अक्षरा के पास पहुंच ही जाएगा, जिसे देखकर अक्षरा बहुत ही खुश होगी। हम आपको बता दें कि यहाँ पर अभिनव भी अभिमन्यु के साथ अबीर को ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ अभिमन्यु साफ साफ अभिनव को कह देगा कि तुम अक्षरा का ध्यान रखो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं अबीर को अकेले ही ढूंढ लूँगा। और अबीर को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा अभिमन्यु और उसको लेकर पहुँचेगा कसौली। तो एक बात तो तय है कि अब आने वाली है फिर से रौनक। एक बार फिर से बिछड़ी माँ से उसका बेटा मिलने वाला है। एक बार फिर से अक्षरा और अबीर के चेहरे पर खुशी लौटेगी। और अब अभिमन्यु इस बात का फैसला लेगा कि वो हमेशा के लिए अबीर को लौटा देगा। आप इस कदम पर क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।